संसद की रक्षा कर न सके, जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो पार्टी के सांसद हैं उन्हें पास प्रोवाइड कराते हैं और वो अंदर आके इस तरीके की हरकत करते हैं, तो ये पूछना तो बीजेपी वालों से चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो विपक्ष से पूछ रहे हैं। आप बात रखें, प्रोटेस्ट करें, सांस्कृतिक तरीके से करें, आप अपने मुद्दों को जमीन पर लाएं, जमीन से उठाकर मीडिया में लाएं, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है कि आप जबरदस्ती संसद में घुस जाएं। आज आपने देखा संसद में जरा सी अफरा तफरी मची तो सारे कुछ उन्हीं के सांसद भागने लगे, और वो जो बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी डरे नहीं, तो राहुल गांधी जी तो निडर फैमिली से हैं, उनके परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया देश के लिए, वो क्यों डरेंगे इस तरीके की गतिविधियों से। जिस तरीके से कल संसद में दो लोग घुस गए हैं, उसके बाद जो यहाँ पे आंदोलन हो रहा है इंडियन यूथ कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंदोलन हो रहा है, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उनमें इनकी क्या राय है, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट करने पे उतर आए हैं, क्यों देश सुरक्षित नहीं है, क्या संसद सुरक्षित नहीं है? आपको लगता है क्या देश सुरक्षित हाथों में और सुरक्षित है? हमारे देश की सबसे बड़ी संसद जो कार्यपालिका है हमारी, जिसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं, उसमें दो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, बीजेपी के सांसद द्वारा पास बनवाए गए हैं जिनके, और बीजेपी कहती है कि साजिश की बू आ रही है कांग्रेस है। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमेशा बीजेपी मेन चीज़ों से मुद्दों से भटकाती क्यों है लोगों को? आज सरकार में आप खुद बैठे हैं, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा संख्या आपकी है, और उसके बावजूद आप ही की जो पार्टी के सांसद हैं उन्हें पास प्रोवाइड कराते हैं और वो अंदर आके इस तरीके की हरकत करते हैं, तो ये पूछना तो बीजेपी वालों से चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो विपक्ष से पूछ रहे हैं कि इसमें साजिश की बू आ रही है। किसकी साजिश की बू आ रही है ये तो वो बता सकते हैं, उनकी मानसिकता झलकती है। जब हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो सकती है किसी एक छोटी सी टिप्पणी के ऊपर, तो ये तो बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा ये तो बहुत बड़ा कांड है, जो संसद जैसे हमारे न्याय जो पालिका है उसमें सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, जिसे न्याय का मंदिर कहते हैं, उसके अंदर किसी दो अनजान व्यक्तियों का घुस जाना इस तरीके से, तो मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत बुरी बात है, तो इसके लिए होनी चाहिए, जिस सांसद के कहने पे उनके पास बने हैं उसको जल्द से जल्द निलंबित करना चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं है और ये दूसरों से पूछ रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ पे एक महिला पकड़ी गई थी, वो कह रहे हैं कि रोज़गार जब नहीं दिया जाएगा तो संसद में ऐसे ही घुसा जाएगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ रोज़गार देना तो सरकार का काम है, बट इस तरीके से रोज़गार की मांग रखना ये भी एक गलत है। जब रोजगार नहीं देंगे तभी तो संसद में घुसा जाएगा ना, इस तरीके से संसद में घुसना है, इसका कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई इलाज है। आप बात रखें, प्रोटेस्ट करें, सांस्कृतिक तरीके से करें, आप अपने मुद्दों को जमीन पर लाएं, जमीन से उठाकर मीडिया में लाएं, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है कि आप जबरदस्ती संसद में घुस जाएं। आप ही लोग ही प्रदर्शन करके मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मोदी को मुर्दाबाद कहना कहाँ तक सही है? मैं मोदी मुर्दाबाद, देखिए जब भी कभी चुनाव होता है या कुछ भी होता है तो मोदी जी के नाम से लड़ा जाता है। आज सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है उसे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं जानता, वो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो कहीं नहीं कहा जाता भाजपा जिंदाबाद, वो कहते हैं अब की बार मोदी सरकार। तो जब भी प्रधानमंत्री है ना, मैं वही कह रहा हूँ, इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, कभी आपने सुना है कि कांग्रेस की जगह, कांग्रेस जिंदाबाद की जगह मनमोहन सिंह सरकार, मनमोहन सिंह सरकार, कभी भी आपने नहीं सुना होगा। जब व्यक्ति विशेष की बात हो रही है तो जब इस तरीके की कोई घटना हुई है तो उसका श्रेय भी मोदी जी को लेना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं मोदी जी मुर्दाबाद, सीधी सी बात। तो सवाल आप सिर्फ मोदी सरकार को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? लोग तो वहाँ पे और भी पार्टी के थे, राहुल गांधी भी थे वहाँ पे। सुनिए, आज लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़े जो नंबर्स हैं और जिनकी सरकार है वो है भाजपा की, तो आप ये बताएं कि हम सवाल किससे पूछे, भाजपा से ही तो पूछेंगे ना, जो आज मौजूदा सरकार है। आप क्या चाहते हो इस मुद्दे पे भी, जैसे बीजेपी भटकाती है हम नेहरू जी के पास और उनके पास चले जाए। आज जो मौजूदा सरकार है, जो उनके नुमाइंदे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री कहते 56 गज का सीना, आज आपने देखा संसद में जरा सी अफरा तफरी मची तो सारे कुछ उन्हीं के सांसद भागने लगे, और वो जो बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी डरे नहीं, तो राहुल गांधी जी तो निडर फैमिली से हैं, उनके परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा बलिदान दिया देश के लिए, वो क्यों डरेंगे इस तरीके की गतिविधियों से। और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमलावरों को संसद में भाजपा सरकार ने भेजा, तो आपको कैसे पता भाजपा सरकार ने ही भेजा? इसमें हो नहीं सकता, बिल्कुल ये भाजपा की साजिश है। आप समझिए कि भाजपा के सांसद उनको पास प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है ये कौन करवा रहे हैं?
पास अगर किसी और को होता फिर साजिश उसकी होती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता साजिश। आप जांच कराएं, और अगर अभी जांच भी होती है, हम तो कह रहे हैं अभी जो सामने आया है तथ्य मीडिया के माध्यम से, वो तो क्लियर होना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज, जो संसद के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें भाजपा सरकार की गलती बताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए सांसद से, और ये भी कहा जा रहा है मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और कहा है कि मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और साथ ही साथ जो गृह मंत्री अमित शाह उसको भी इस्तीफा देने की मांग लगाई जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।